हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम जा रहे हैं वावड़ी। ओके, कुछ खास काम है नहीं, बट अगर वहां पर धूप निकल गई होगी तो हमारे गार्डनिंग का जो काम है वो कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो आज वहां पर भावना फाई वगैरह है, सो उनसे उनके साथ डे स्पेंड करेंगे, मेरे बुआ वगैरह। तो या वही प्लान है आज, नॉर्मल, ज्यादा कुछ खास नहीं, बस अब निकलने वाले थोड़ी देर में। लाइट डिम है और दादा आटा निकालने का ट्राई कर रहे हैं हमारे घर की से। ठीक है, अब दादा हिना को सिखा रहे हैं और कब का दादा का उसको डांट रहे कि ऐसा है वैसा है वैसा। सब लोग ज्ञान झाड़ रहे थे तो दादा बोलते लो कर लो खुद भी खुद। तो हमारे घर की चक्की है ये जिससे हम आटा निकालते हैं। Hey guys, what's up? So, आज हम वापस से आ चुके हैं वावड़ी में। ठीक है, अभी यहाँ पर मस्त मौसम हो रखा है, थोड़ा घूमने चलते हैं, गांव में आटा और टल्ला मारते हैं। और हमारे पौधे वगैरह भी मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि उनकी क्या कंडीशन है। थोड़े मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी मैंने देखा उनको, मुझे ऐसा लग रहा है बीज अच्छे नहीं आए थोड़े। आज ये दोनों भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं, भाविक और मौलिक, दोनों के दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक अभी क्रिकेट खोल के कैचम कैची खेल रहे हैं। एकदम मुंबई का छोरा लग रहा है लाई ये। And it's catch. अब देखते हैं भाविक मौलिक कैच कर पाता है कि नहीं। आ ये बेबी, पता नहीं लोगों को गांव में कैसे दिख जाता है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा इतनी धूप में। सो अभी हम जा रहे हैं, हमारे पौधे दिखाता हूँ आपको। हमारा ये वाला पौधा अच्छे से ग्रो होने लगा, आई गेस इसने अपनी जड़े रखना शुरू कर दी होगी। ठीक है, ऑल्सो आज हम भावनगर से ये वाला पौधा लेके आए हैं। सो ये वाला जो हमने डाला था ये उग नहीं रहा था ढंग से, इसका ग्रो नहीं हो रहा था, सो हमने उसके बदले अब इसको डाल दिया है। ऑल्सो आज इनको हमने बाहर निकाल दिया है, तो आप देख सकते हैं ये जो लंबे लंबे हैं ना वो बैंगन के हैं। सो होपफुली अब ये ग्रो अच्छे से हो जाए, क्योंकि आई गेस थोड़ा सा ना बीज का प्रॉब्लम है, इसलिए बीच बीच में जो आप देख रहे हैं ना गैप है, तो उसमें हम वापस से बीज डाल देंगे। अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते में से दादा के लिए ये लेके आए हैं, ताकि यहाँ पर जो चिड़िया वगैरह है उनको पानी देने में काम आ सके। तो आज खाना बना रहे हैं भावना फाई। आज भावना फाई आप क्या बना रहे हैं? आलू की सब्जी, आलू की सब्जी बनी है, सीरा बनाया है बढ़िया सा, और साथ ही साथ अभी हीना आटा गूंद रही है। सो हीना भी बैठ गई है अब अपना प्रस्थान करके। सो डेडिकेटेड फोटोग्राफी आर्टिस्ट एंड द आर्ट। मौलिक ने नया मोबाइल क्या ले लिया, मौलिक तो फोटोग्राफर बन गया है, एक्चुअली अच्छी फोटो खींच रहा है। सो फिर से हमारी लड़की आ चुकी है यहाँ पर चूल्हा फूकने के लिए, इससे रहा ही नहीं जाता, इतना मन करता है ना कि दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आती है वो धुआं फूकने के लिए। सो रोटी वगैरह सबने बना लिए, अब हीना के पास आई है रोटी बनाने का समय, खाना सबने बना लिया मतलब, और रोटी बनाने का कार्य हीना को मिला है। पूरी मंडली थक गई है तो पूरी मंडली सो रही है आज हमारी। ऑल्सो हीना यहाँ पर मस्त मस्त रोटी बना रही है, और ये देखिए कितनी प्यारी 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 रोटियाँ बन चुकी है। ठीक है, हीना ने अकेले नहीं किया है, हीना को आज हेल्प थी थोड़ी सी। सो हीना अपनी रोटी पका रही है और मेरे को बोल रही है कि सारी की सारी रोटियां फूल रही है आज, तो देखते हैं अब फूलती है या नहीं। मैं आया हूँ शूट करने के लिए तो पक्का नहीं फूलेगी रोटी, सच में ऐसा हुआ यार, है ना? हाँ। मुझे तो पता ही है मैं आया हूँ इसलिए रोटी फूलेगी ही नहीं अब। एनीवे, पर बढ़िया बढ़िया सी रोटियां बना डाली है हीना ने वैसे भी। और हीना ने रोटी फुला दी है बाय द वे, इसलिए खुश हो रही है। देखिए गाइस, इस लड़की को गौर से देखिए, अपने पति को छोड़ के मुंह दबा दबा के खाती हुई ये लड़की। ये कितनी बढ़िया बढ़िया सी आम है हमारे घर पे, और ये थाली लग चुकी है। आज थाली में है सीरा, आलू की सब्जी, रोटी, और भाभी कब खाना खाने जा रहा है? नहीं मेरा नहीं है। हाँ पर तेरा नहीं है, पर तू खाने जाने वाला है ना। ऑल रेडी फॉर द वर्क, चलते हैं गार्डन में काम करने के लिए। भी तो छाया है पर सूरज दादा का कोई भरोसा नहीं, कब निकल पड़े वापस से बाहर। सो अभी बज रहे हैं एग्जैक्टली 5, और हम आ चुके हैं इस मौसम में बढ़िया सा काम करने के लिए। ये हमारा खातर है। सो अब ये पूरा का पूरा सड़ा हुआ तो नहीं है, इसमें से जो जो पार्ट सड़ा हुआ होगा वो हीना निकालेगी और फिर हम हमारे खेत में डालने जाएंगे, मतलब खेत में नहीं एग्जैक्टली हमारा गार्डन एरिया जो है वहां पर। और आज भाविक भी यहाँ पर है बावड़ी में गुंदों के मजे ले रहा है। कितनी बढ़िया सी सनरेज आ रही है,
आप देख सकते हैं, ओ माई गॉड इट्स लुकिंग सो गुड। एंड ये हमारी बीवी खातर लेके जा रही है खातर डालने के लिए। ये हीना का कम से कम तीसरा बकरिया होगा। हीना इधर इधर आते जाने का, ठीक है? हाँ बस गुड। हीना भी मड़िया कर रही है, बेचारी को डस्ट की एलर्जी है फिर भी कर रही है, और धूप देखिए सामने से आ रही है अब। और आ गया है हमारा मौलिक भी हमारे को मदद करने के लिए। सो ये सब ने पहला बकरिया, थोड़ा इस साइड इधर आ जा, पीछे मेरी साइड, हाँ आते जा, बस वहाँ डाल दे, परफेक्ट, थैंक यू, बढ़िया। हमको बिच्छू मिला है यहाँ पर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इतना प्यारा सा है, एकदम कातिल बिच्छू है, ठीक है? हीना को मैं बोल रहा हूँ पकड़ ले हाथ में, पर डर रही है वो। देखो क्या मस्त बिच्छू है, एकदम जिंचैक। गाइस देखिए ये हमारा, हमारे खेत में हम अभी काम कर रहे थे तो ये बिच्छू लगा है, मिला है। अगर ये बिच्छू डंक मार जाए ना तो आपकी वाट लग जाएगी, याद रखना। और ये जो खातर होते हैं ना इसमें तो ये बिच्छू रहते हैं, मतलब इनका ये घर है एक तरीके से। तो यार बच गए हम, नहीं तो अभी किसी को काट सकता था। इसके डंक देखो आप, ओह माय गॉड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो अभी हमारा काम शुरू हुआ ही था कि बिच्छू जी ने दर्शन दे दिए, तो कोई नहीं, अब बिच्छू के दर्शन हो गए तो काम शुभ ही होगा, है? तो चलिए अब काम की शुरुआत वापस से कर लेते हैं। वाट तो अभी तब लगेगी जब वहां से यहां तक सब कुछ खातर डालना पड़ेगा, फिर उसको फैलाना पड़ेगा। आज का काम हमारा यही है, खातर खेत में डालने का। ओके बाय द वे अभी वो बिच्छू निकला ना तो सब लोग डर गए, तो सब लोग अपने अपने जूते ढूंढने गए हैं, हम तो पहले से ही जूते पहन के बैठे हैं। अरे हमारा कुत्ता एकदम फोटो वाला है, एकदम हमारे सामने। ए मेरे से तो दूर ही रहना, हाँ साला गंदे आके मेरे कपड़े बिगाड़ता है। देखिए कपड़े पूरी सत्यानाश कर दिया है मेरे कपड़ों का। हाँ पहले जाता है टंकी में बैठता है, वहां से गीला होके आता है, और उसके बाद है ना मेरे को वो करता है, गंदा करता है। देखो इसके भी कपड़े गंदे किया, देखो मौलिक के भी कपड़े गंदे हुए। मौलिक दिखा दो। ये बोलो मेरी बीवी मेरे को डांटती है, डांटती मतलब मारती भी है। गाइस आपको दिखा देता हूँ, देखो कैसा मारा है इसने, देखो अभी वो देखो मार रही है मेरे को। गाइस देखो मेरे को ना ऐसा मारा कल परसों। अभी आधा हुआ है, अभी और आधा बाकी है, आधा तो नहीं बाकी है, एक चौथाई बाकी है। ये देखिए पूरा काला काला जमीन कर दिया। आई होप कि आप लोगों को टाइम लैप्स अच्छे लग रहे हो, जब खत्म करेंगे उसका भी टाइम लैप्स लेते रहेंगे, ठीक है? आई होप कि आप लोग एंजॉय करो। हीना से पूछते हैं उनका हाल कैसा है। थोड़ी सी तकलीफ हो रही है बट मजा आ रहा है, कर मजा आ रहा है ना मेहनत करके। हाँ हाँ ठीक है ना, पढ़ाई अच्छी है कि ये अच्छा है? दोनों ना ना, अगर एक चीज चूज करना हो तो पढ़ाई। बैठ के टांगे फैला के उल्टा लेट के जैसे भी करना है, बुक साथ में लेके पढ़ते रहो तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सही बात है। यही सोच हमको बदलनी है। क्या लगता है सबको कि खेती वो लोग करते हैं, किसान वो लोग बनते हैं जिनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिनमें कोई काम करने की वो नहीं है, जो एकदम नल्ला पाव इंसान है ना वो किसान बन जाता है? बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भी अमेरिका की तरह खेती को कमर्शलाइज करना है, और जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई वगैरह करके आ रहे उनको खेती में आना चाहिए, तभी हमारे देश की खेती आगे बढ़ेगी, ठीक है? अब मैं
पढ़ा लिखा नहीं हूँ एग्रीकल्चर का, बट YouTube के दो वीडियो चार वीडियो देख के, दादा से थोड़ी सलाह लेके, पप्पा से थोड़ी सलाह लेके और लोगों से सलाह लेके मैं ये काम सीख रहा हूँ। सो इस तरीके से अगर एग्रीकल्चर का जिसने पढ़ाई किया, जिसको हर एक चीज़ पता है, खाद कैसे बनानी है उससे लेके हर एक चीज़, अगर वो इंसान जब खेती में आएगा और हमारी इंडियन खेती को विकास में लाएगा तो सोचिए हमारी इंडियन खेती जब कमर्शलाइज हो जाएगी तो कितना डेवलप करेगी। बस यही बोलना था।